मैंने आपको इसके अलावा सारे कागजात आपको दे दिया। आप वॉच करते रहिए, मैं वॉच कर रहा हूँ और जहाँ दिक्कत होगी मैं बोलूंगा। ठीक है, वहाँ अवगत करते रहिए एकदम। ठीक, शिवानी पत्थर से करिए, नहीं रहा तो उसको मरम्मत करना आपका है कि नहीं। ये एक्ट स्पष्ट बताया हुआ है कि अगर कोई पैमाइश, मैं रोक नहीं रहा हूँ आपको, मैं केवल आपसे कहा कि शिवानी पत्थर से नापी हो। आप लोग नापी, हमने आपकी बात सुन ली, आप लोग नापी काम कर लेने। अगर आप गलत कर रहे हैं तो मेरा काम है आपसे अनुरोध करने के, महोदय ये गलत हो रहा है। देखिए ये पैमाइश का काम है, उनको थोड़ा सा फुर्सत दीजिए आप लोग। एक मिनट, पैमाइश होना है तो राजस्व संहिता 2006 से होना है, और राजस्व संहिता 2006 कहती है स्पष्ट रूप से कि जो भी पैमाइश होगी वो धारा 20 जो लिखा हुआ है कि सीमा चिन्ह कौन से होते हैं उसके आधार पर होना है। तो मैंने कोई गलत बात तो कहा नहीं है, इस पर सही बात कही तो आपने कह ली अपनी बात। महोदय यहाँ लिखा राजस्व के समस्त ग्राम और किसी भी सर्वे गाटा संख्या का सीमांकन जो है सीमा चिन्हों द्वारा होगा, और सीमा चिन्ह को डिफाइन किया है बाउंड्री मार्क कौन से होंगे, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है घोतक कौन से लोग होंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सीमा चिन्हों से बनाया जाए। आप ये बातें कहिए, पहले हमें कर लेने दीजिए अपने काम ने, लेकिन गलत ना करिए। चलिए हमारी बात काम हुआ नहीं और गलत हो गया। नहीं नहीं, गलत की बात नहीं की है, स्टार्ट करिए। अगर गलत पॉइंट होगा तो मैं मना करूंगा। अभी तो पहले हमें अपना, अगर हमारी पैमाइश गलत होगी तो आप उसे गलत सिद्ध नहीं होते नहीं प्रमाणन। सर आप सड़क चक्रोड में देख ही रहा हूँ, अगर सड़क चक्रोड उठाई जाएगी तो ये गलत होगा। सर वकील साहब शुरू ही नहीं होने दे रहे, नहीं शुरू नहीं सर, इनको कह रहे हैं सीमा चिन्हों से बनाया, रिटर्न काम करेगी, इसके बाद आपको रिटर्न ऑब्जेक्शन का मौका देंगे। रिटर्न ऑब्जेक्शन आप ठीक, कार्रवाई को तो नहीं रोक, मैं कार्रवाई नहीं रोक रहा, कार्रवाई बात करिए, केवल मैं आपको ये बता रहा हूँ सीमा घोषक चिन्हों से ही स्टार्ट करा जाए। हम जिन परिस्थितियों में राजस्व ट्रेनिंग के लिए हैं जी, जो काम करेंगे वो आप देखिए, अगर विधि संगत नहीं होता है तो आप रिटर्न हमको बात बताइएगा पहले। और यहाँ जो आप गलत कर रहे हैं उसके लिए मैं बोलूँ नहीं, आप नहीं आप सीमा और सीमा घोषक चिन्हों से स्टार्ट करें। मेरा कहना आपने जो भी आपकी संज्ञान में है उन तथ्यों से अवगत करा दिया, तथ्यों का संज्ञान लेने के उपरांत हमारे असर से क्या कार्रवाई है उसको देखते हैं। नहीं महोदय, यदि आप जो है केवल प्रशासनिक दबाव के कारण राजस्व संहिता का उल्लंघन करेंगे तो ये गलत है। वो तो अगर करें, मेरा केवल आपसे यही लिखा फिक्स पॉइंट कौन से होते हैं, जो हमारा नक्शा बेस्ट बताएगा, बेस्ट केवल शिवानी पत्थर होते हैं। टू फिक्स पॉइंट कहाँ पर है, टू फिक्स पॉइंट आपके चक्रोड को नहीं माना जाएगा यहाँ पर, दो शिवानी पत्थर लीजिए उसके बाद जाइए। सर मैंने इनसे कहा कि शिवानी पत्थर से ही जो है सीमा का चिन्ह होना है और वहीं से पैमाइश, ये चक्रोड को मान रहे हैं, जहाँ चक्रोड माना है भाई, अभी सब मान रहे हैं, ये कह रहे हैं हमको सर से क्या, जहाँ नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो बात दूसरी है ना, हमें पहले डिमार्केशन कर लेने दीजिए। गाड़ी रखा कर चौराहे पर ऑप्शन नहीं है, इस गाड़ी का किराया ले जाइए आप। तो जगह जगह पे दिख रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं का, अधिकारियों का इस समय आना हो रहा है। मालूम है क्या हेलो करना चाहिए क्या नहीं, हेलो डोजर खड़ा हो गया कोनों का गिरा दिया, हेलो सर जो है तो चारों ओर आप देख रहे होंगे, हम घटना स्थल पे वहां पहुंचे हैं और चारों तरफ देखिए गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही हैं और पुलिस भी पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। राजा वाह मरिया मेरा जवा के का पोही का मसरे
है, भाई को नहा रहे हैं, देख लीजिए।